है तो व्हाट्सअप गॉइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद्रो यूट्यूब चैनल और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम हमारे वॉड टू वॉच जो हमारी वेबसाइट जो है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे जो इसमें खामियां हैं उसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि, कि किस तरीके से आप इस सर्च बार को वर्किंग कर सकते हैं कि आप इस सर्च बार कुछ डालें एंटर करें सर्च पर क्लिक करें और ये जो है वो आपको एक आ, सर्च को जो है वो आपका सर्च रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखा दे सक्सेसफुली जो कि अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जैसे है पिछले वीडियो में मैंने आपको एमडी बीपीआई के बारे में बताया था, तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर वाले वीडियो फटाफट से जाकर देख सकते हैं तो चलिए अब हम काम स्टार्ट करते हैं सबसे सब पहली प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करते हैं कि जब हम हमारे होम पेज पर पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी मूवीज़ दिखाई नहीं देती है जो कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम कुछ मूवीज़ को शो कराएंगे चलिए चलते हैं कोड में देखते हैं किस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं ये रहा हमारा राउट जहाँ पर जाने पर हमारी जो है वो यहाँ पर सर्च की जो क्वरी है मतलब जो हमारे जो जितने भी क्वरीज़ है वो यहाँ पर स्फेच होते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर इस पूरे जो मेरा सर्च मेरा जो ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक है इस पूरे को कॉपी करूंगा और इस पूरे को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट करूंगा आप बोलेंगे कि यह आपने क्या कर दिया यार ये या आपने क्यों करा तो, तो देखो मैं यहाँ पर बाई डिफॉल्ट पर कुछ चीज़ों को पेस्ट करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इस पूरे को कॉपी करूंगा देन इसके बाद में मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा और इसको यहाँ से इस रिटर्न वाले मेथड से पेस्ट जो है वो रिप्लेस कर दूंगा देन इसके बाद में मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर इसके ऊपर इसको पेश करता हूँ पहले और फिर यहाँ पर चेंजेस करूँगा देखो तो पेज नेम सेज में मूवी लिस्ट में मुझे आपको कुछ जेसन डेटा पास कराना होगा तो मैं यहाँ पर सेम मूवी लिस्ट में एक जेसन डेटा पास कर दूंगा और वो जेसन डेटा क्या होगा वो जेसन डेटा मेरा यहाँ पर, पर मूवी नेम पे बेस पे प्रिंट होगा बट आप बोलोगे कि मूवी नेम तो हमें यहाँ पर मिल ही नहीं रहा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई से मूवी के नेम की एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा ठीक है जैसे कि फॉर सपोज हो गई हमारी एवेंजर्स देन उसके बाद में फॉर सपोज हमारी यहाँ पर हो गई डॉन ठीक है ऐसे कोई सी ब्रांड मूवी चूज कर रहा हूँ देन जैसे हमारी हो गई इंडिया देन उसके बाद में जैसे हमारी हो गई कोई हॉलीवुड पे कुत्ते हैं कोई अच्छी सी मूवी आप बताइए यार मैं इतना मूवीज़ देखता नहीं हूँ तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है कि कौन सी मूवीज़ यहाँ पर सही रहेगी बट या हम कुछ इस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डाल देते हैं एनी वेज एंड देन इसके बाद में ये यहाँ पर से है रैंडमली कोई सा इसका नाम सेलेक्ट करेगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मूवी नेम इज़ इक्वल टू महाँ पर रैंडम हमारे uh, um, जो लाइब्रेरी उसको इम्पोर्ट कराना चाहता हूँ इम्पोर्ट रैंडम एंड देन फिर मैं यहाँ पर uh, लिखूंगा रैंडम डॉट आर ए एन डी ले आर ए एन डी आई थिंक यहाँ पर एक होता था रैंडम uh, जो जो कि जो वो एक लिस्ट में से आपकी एक रैंडम वैल्यू जो है वो निकाल कर लाता था जी हाँ तो उसका नाम होता था डॉट चॉइस तो जो चॉइस में से किसी भी सीक्वेंस मतलब कि किसी भी लिस्ट में से ये एक रैंडम नाम आपके लिए निकाल के ले आएगा जैसे कि हमारे यहाँ पर मूवी नेम है तो मैं यहाँ पर मूवी नेम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ मूवी माए मूवी नेम में इसको कर देता हूँ माए मूवी नेम ठीक है तो ये हमने कर दिया देन इसके बाद में इस माई मूवी नेम को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा एंड देन सेम चीज़ यहाँ पर रिटर्न होगी मैं इसको जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ छोटा इसको मुझे बंद कर देना चाहिए देन इसको मैं इस इस को यहाँ से इस लाइन को अब डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे ये कोई सा भी रैंडमली कोई सा एक जो है चीज़ प्रिंट करके देगा ठीक है मतलब जो कोई रैंडम मूवी का जो है यहाँ पर डिटेल्स को फैच करके कर देगा तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ यहाँ पर मैंने इसको रन करा मैं जाता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश मारता हूँ देखो रिफ़्रेश मांगा और यहाँ पर मुझे कुछ रैंडम मूवीज़ जो है वहाँ पर देखने को मिल गई ये इंडिया से रिलेटेड मुझे लग रही है बिल्कुल और अगर मैं इसको वापस से रन करूँगा तो मुझे कुछ और मूवीज़ इसे दिखाना चाहिए जी हाँ कोई स्पेस से रिलेटेड हमें यहाँ पर मूवीज़ देखने को मिल गई तो आप यहाँ पर कितने ही आ, जो है वो नेम लिख सकते हैं आ, कितने ही आप यहाँ पर लिस्ट को बड़ा कीजिए उस हिसाब से अलग अलग बार बार रैंडम मूवीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी बढ़िया देन इसके बाद में मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो कि मेरे यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर यह है क्या नाम से क्वेरी क्वरी है सर्च एनी मूवी नेम वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम रहे जैसे कि फॉर सपोज़ uh, हम कुछ भी लिख सकते हैं uh, जैसे कि मिनियंस मिनियंस टाइप से यहाँ पर लिखा रहा है देन तो कुछ और सर्च करें तो कुछ और मिनियंस की स्पेलिंग तो मैंने कैसे सही लिखी है ठीक है तो मिनियंस के लिए और कुछ सर्च रहे इस तरीके से यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं मेरे होम पेज पर जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा क्या सर्च एनी मूवी नेम ये रहा है मेरा सर्च एनी मूवी नेम और इसमें मैं बाई डिफॉल्ट एक वैल्यू पास करा दूंगा और ये वैल्यू क्या होगी एक वेरिएबल होगा क्वरी नाम से अब ये क्वरी को मुझे यहाँ पर पास कराना होगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा लगा कर कॉमा लगा के लिए मैं लिखता हूँ क्वरी एंड uh, query इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर एक क्वेरी नाम का एक और लिस्ट बना लेता हूँ तो क्वेरी और या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर क्वेरी लिख देते हैं क्वेरी और यहाँ पर कुछ भी आपका यहाँ पर आप डालिए जैसे कि फॉर सपोज क्रिकेट या फिर जर्सी या फिर क्रिकेट ही लिख देता हूँ मैं क्रिकेट क्रिकेट देन इसके बाद में मैं, मैं यहाँ पर एक साउथ मूव डालता हूँ मेरा बदला <laughs> पता नहीं कितने इसके पार्ट बन गए देन इसके बाद में और भी कुछ हम डाल सकते हैं डी uh, जे और इस टाइप से हम कितनी भी फिल्म यहाँ पर डाल सकते हैं और क्वरी की स्पेलिंग मैंने फिर से परंपरा को निभाते हुए गलत लिखी और इस क्वरी को uh, इस क्वरी को मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ मैं काम करता हूँ ना कि मैं इसको ये जो मैंने काम करा ना मूवी नेम वाला ये मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन में लिस्ट बनाई देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक नया इसमें से एक रैंडम नाम सर्च करा तो मैं उसकी जगह पर ऐसे तरीके से भी कर सकता हूँ लिख सकता हूँ रैंडम डॉट चॉइस डॉट चॉइस एंड देन इसके बाद में इसको बंद कर दूँ यहाँ से तो अब ये इसमें से बैट फॉर्ड मुझे एक नाम निकाल के दे देगा ऑटोमेटिकली सेम क्वेरी को मैं यहाँ पर पास करा दूँगा बैक करके ओहो गड़बड़ हो गई इस क्वेरी को कॉपी करना है और इसको मैं यहाँ पर पास करा दूँगा तो अब मेरी ये क्वेरी यहाँ पर पास हो जाएगी अब मैं एक बार इसको रिलोड करके देखता हूँ मुझे मेरे यहाँ पर लगता है मेरा सर्वर बंद हो चुका है मैंने सर्वर वापस से चालू करा देखिए यहाँ पर क्रिकेट इंडिया लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर और सर्च करूँ एवेंजर्स लिखा हुआ आ रहा है ठीक है और इसको सर्च करने पर अभी कुछ नहीं होगा तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा वर्किंग बनाते हैं कि सर्च होने पर कुछ हो यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर हमें कुछ दिखे ठीक है अब वहाँ पर डॉन आ गया वहाँ पर डीजे लिखा हुआ आ गया तो ऐसे तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है चलो तो अभी हमारा होम पेज तो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है अब मैं यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम को सर्च कर सॉल्व करते हैं कि सर्च के बटन के क्लिक होने पर यहाँ पर कुछ सर्च हो तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर हमारी जो मेथड है उसमें स्लैश करके यहाँ पर वैल्यू को पास कराया आज मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करा सकते हैं तो यहाँ पर आप फ्लास्क में दो मेथड यूज़ कर सकते तो वैसे तो मेनली दो मेथड होती है वैसे और भी काफ़ी सारी मेथड होती है बट तो मेनली यहाँ पर दो मेथड होती है आपकी गेट गेट मेथड होती है एक और एक होती है आपकी पोस्ट मेथड अब गेट और पोस्ट मेथड क्या होती है गेट मेथड होती है आपकी इनसिक्योर मेथड और पोस्ट पोस्टमार्टम होती है आपकी सिक्योर मेथड जब आप किसी आपको अपने डेटा को इनसिक्योर मेथड से पास कराना हो तब आप गेट मेथड का यूज़ करते हो जब आपको सिक्योर मेथड से पास कराना हो तो तब आप पोस्ट का इस्तेमाल तो करते हैं तो इन सिक्योर और सिक्योर कब हम इसे यूज़ करते हैं जैसे कि अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो अब आपको कुछ अगर सर्च करना हो तो अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है कि आपको भाई उसको दिखाना नहीं है यूज़र को कि भाई आपने क्या सर्च करा क्योंकि यूज़र नहीं सर्च कराया अब आप उसको दिखा दो क्या दिक्कत है बट अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर कुछ पासवर्ड टाइप कर रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पर पास कर रहे हैं तो उस केस में आपको सिक्योर मदद चाहिए आप नहीं बताना चाहते हैं किसी को भी इन द बैक एंड और इन द फ्रंट हैंड कि आपने पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर क्या डाला है ठीक है तो तब केस में हम इस्तेमाल करते हैं पोस्ट मेथड अब हम हमारे केस में अब हम यहाँ पर सर्च कर रहे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे हम इस्तेमाल करेंगे गेट मेथड का गेट मेथड में जैसे आप कुछ डेटा डालते हैं और आ, आ, पास करते हैं उसको तो वो आपके बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर अपने यू में देखने को मिल जाती है बाकी पोस्ट में ऐसा नहीं होता कैसे करते हैं देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ ये स्लैशेस को और यहाँ से मूवी का नेम बैठा देता हूँ और अब मैं यहाँ पर बाय मेथड इस चीज़ को पास कराऊंगा मैं लिखूँगा मेथड मैथड इज़ इक्वल टू और मैं यहाँ पर मेथड अलाउ करूंगा कि कौन कौन सी मेथड इस राउट में अलाउड है तो मैंने बोला कि सिर्फ गेट मेथड यहाँ पर अलाउड है अब देन इसके बाद में देन मैं यहाँ पर लिखूंगा मूवी uh, का नेम कि भाई मूवी का नेम क्या है तो वो रहेगा आपका रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर फ्लास्क में से इसको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट आक्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट डॉट गेट ठीक है गेट में रट क्योंकि हमारा है यहाँ पर तो हम लिखेंगे गेट एंड देन आपको यहाँ पर पास कराना है आपका जो भी एच में जिस भी इनपुट फील्ड का जो नेम है वो नेम आपको यहाँ पर पास कराना है तो मैं यहाँ पर इस नेम को पास कर देता हूँ एज ए क्वरी देन इसके बाद में आप यहाँ पर जाइए देन हमारा जैसे कि हमारा ये वाला ये वाला सर्च बार है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सर्च एनी मूवी नेम एंड देन इसके बाद में मैं इसका नेम रख दूँगा मैं इसका नेम रख दूँगा क्वरी ठीक है तो ये क्वेरी अलग है ये क्वेरी अलग है समझ रहे हैं ना आप दोनों में तो मैं काम नाम चेंज कर देता हूँ मूवी क्वेरी डाल देता हूँ उसको ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो तो ये मूवी क्वेरी सेम नेम यहाँ पर भी होना चाहिए तो अब क्या होगा कि आप जैसे ही अब यहाँ पर आपने फॉर्म नहीं क्रिएट करा ये इनपुट फील्ड है ये बटन है आपने फॉर्म यहाँ पर से कहीं तक कहीं तक क्रिएट नहीं करा तो मैं यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ एक्शन में मुझे यहाँ पर डालना है स्लैश सर्च स्लैश सर्च और देन मेथड आपको यहाँ पर पास करानी है गेट ठीक है मेथड आपको बोलना है कि गेट मेथड से आप यहाँ पर सर्च वाले राउट पर पर्टिकुलरली गेट गेट जो है वो मेथड से जाएंगे और क्या पास करेंगे पर्टिकुलर जो भी उनको वैल्यूज होगी पास करेंगे अब मैं इस फॉर्म को अच्छी तरीके से यहाँ से बंद कर देता हूँ देन यहाँ पर मैं बटन को हटा के मैं यहाँ पर इनपुट लगाता हूँ और इनपुट का मैं यहाँ पर टाइप लिख देता हूँ इनपुट अच्छा टाइप तो मैंने यहाँ पर पहले से डिफाइन करा हुआ तो मुझे यहाँ पर टाइप बटन हटाकर टाइप सबमिट कर देना चाहिए एंड देन इसके बाद में मैं स्कोर करूँगा एक बार हॉट रिलोट मेरा सर्वर हो चुका है बंद मैं इस सर्वर को कर देता हूँ फिर से चालू कुछ एरर दिखा रहा है ये मुझे मूवी uh, नेम एक और बार रन कराता हूँ रूल डॉट इन इट गॉट एंड अनएक्सपेक्टेड ओके आई थिंक यहाँ पर मेथड नहीं यहाँ पर मेथड्स होता है इसके कारण ये मुझे एरर दे रहा था ठीक है चालू हो चुका है सर्वर अब मैं इसको रन कराता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पर एक सर्च लिखा हुआ दिख रहा है मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी मैं वैल्यू जो है वो सर्च कर देता हूँ ठीक uh, है तो यहाँ पर देखिए सर्च लिखा हुआ आ गया एंड देन इसके बाद में अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जैसे कि एड सपोज़ यहाँ पर डीजे लिखा हुआ है मैं यहाँ पर सर्च करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है कि सर्च मूवी क्वेरी डीजे अब अभी यहाँ पर बोल रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन और यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है तो देखते क्या एरर आता है तो देखो एरर ये आया कि यहाँ पर हमारा मूवी नेम हमने यहाँ पर हमारे यहाँ पर पास नहीं हुआ आई थिंक तो मैं यहाँ पर एक बार मूवी नेम को कन्फर्म करता हूँ कि दोनों सेम है कि नहीं जी हाँ दोनों दिख तो सेम ही रहें मूवी नेम आर्गूमेंट मूवी क्वरी तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेम तो मूवी क्वरी ही डाला है उसके बाद मेरे सर्च वाले आउटपुट को जाना चाहिए इनपुट टाइप हमारे यहाँ पर सबमिट होना चाहिए ओके आई थिंक मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये सर्च कर दिए मैं एक बार बिना इसके ट्राई करता हूँ एंड देन इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ क्रिकेट जी हाँ तो देखिए अब यहाँ पर हमारा सर्च हो रहा है तो अभी तो सबमिट लिखा हुआ है मैं इसको चेंज कर देंगे बट अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर क्रिकेट लिखा हुआ है मैं जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है तो यहाँ पर फॉर्म आपका एक्शन बोलता है कि ओके इन्होंने सबमिट के बटन पर क्लिक करा है आपको मेथड गेट इस्तेमाल करनी है और राउट सर्च पे जाना है तो ये बोलता है ओके मैं सर्च पे जाता हूँ ये सर्च पे आएगा ये बोलेगा कि आप में कौन सी मेथड अलाउड है ये बोलेगा कि गेट मेथड अलाउड है आप कौन सी मेथड लेके आए वो लेगा कि मैं गेट मेथड से आया हूँ वो, वो बोलेगा चलो आओ वो आओ बोलेगा देन इसके बाद में वो बोलेगा कि सबसे पहले फंक्शन रन होगा बोलेगा कि आप मुझे सबसे पहले तो मूवी क्वरी दो बोलेगा कि मूवी क्वरी जी हाँ मैं मूवी क्वीरी लाया हूँ मेरे एक इनपुट टाइप का नाम जो है वो मूवी क्वरी है आप उस वैल्यू को ले सकते हैं ये बोलेगा ओके मुझे दो ये मूवी नेम को मूवी क्वारी में जो भी आपका डाला होगा उसके इक्वल सेट कर देगा देन इसके बाद में जैसा काम आपको पहले हो रहा था वैसा काम आपको यहां पर होगा ठीक है एंड देन इसके बाद में मैं पर इज इक्वल टू मूवी नेम पास कर देता हूँ ठीक है ताकि मेरा यहाँ पर बाई डिफॉल्ट जब मैं यहां पर सर्च करूं आई थिंक मेरा सर्वर यहां पर बंद बंद हो चुका है तो बाय डिफॉल्ट जो भी मैं यहाँ पर सर्च करूं वो मेरे यहाँ पर क्वेरी में मैं पर सबमिट करता हूँ ये मुझे कुछ बता रहा है कॉन्ट कंट्रोल ओके मैं एक बार इसको वापस से रन करता हूँ ठीक है यहाँ पर डॉन लिखा हुआ आया और देखिए यहाँ पर डॉन सर्च हो गया अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ लट सपोज क्या क्वेरी डाले हम uh, हाँ मैं यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस ये मैंने सर्च करा अभी मुझे बोल रहा है कि कॉन्ट कंटेन कंट्रोल कैरेक्टर्स ओके okay, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी आप कोई स्पेस वाली क्वेरी सर्च करते हैं मतलब जिस ऐसी क्वेरी जिसमें स्पेस हो जैसे कि यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरस के बीच में स्पेस है तो यहाँ पर जैसे ये वैल्यू पास होती है आपके मूवी नेम जो आपको पास होता है तो ये क्या होता है कि ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आपका ऐसा स्पेस वाला काम नहीं चलेगा का। तो इसको स्पेस मतलब जब भी आपको यू में स्पेस पास करानी हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी इज इक्वल टू एक स्पेस तो फिर वही फिर मैंने जो है वो यहाँ पर करा मैंने यहाँ पर क्या करा मैंने बोला कि यू जो भी आप उसमें यू डॉट को मतलब यू में से रिप्लेस कर दो खाली स्पेस को परसेंट ट्वेंटी से तो जितनी भी खाली स्पेस थी उसको परसेंट ट्वेंटी से रिप्लेस कर दिया और अब हमारी यहाँ पर ये यह जो यू है ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है मैं यहाँ पर डालूंगा फास्ट एंड फ्यूरियस सबमिट करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए मुझे यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ थी वो यहाँ पर देखने को मिल गई और अब आप यहाँ पर जो है वो मूवीज़ की डिटेल को सर्च कर सकते हैं तो अब यहाँ पर हमारा लगभग सारा काम ढंग से काम कर रहा है मैं यहाँ पर कुछ और सर्च करता हूँ लेट्स सपोज कार मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो मुझे देखिए यहाँ पर कार से रिलेटेड जितने भी मूवीज़ थी वो देखने को मिल गई है अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लेट्स सपोज वो कौन सी फिल्म थी uh, जिसमें एन सी पी रहता है राय रेनॉल्ड्स रहता है आपको पता है क्या वो मूवी का नाम Uh, जिसमें वो गेम में रहता है देन उसके बाद में वो कुछ को एक चश्मा मिलता है देन वो ख़ुद को रियल कैरेक्टर समझता है कुछ तो था उस मूवी का नाम अगर आपको मालूम है कि उस मूवी का नाम क्या है तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं मैं भूल गया हूँ मुझे बताएं कि वो उस मूवी का नाम क्या था तो बस इसी तरीके से यार अब मैं ये बता रहा था कि आपको यहाँ पर मूवीज़ के नेम आप यहाँ पर सर्च करें मीनस हमें सर्च करके देखते तो हैं तो मिनियंस रिलेटेड हमें यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारा बड़े तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही है और उम्मीद है आपको भी आ, ये चीज़ काम करते हुए मजा आया होगा अब यहाँ पर आ, जो वो आ, कुछ और यहाँ पर चीज़ें हैं जैसे हमें फ़िक्स करना है जैसे कि हमें यहाँ पर लिंक डालनी है ड्रॉप डाउन डालना है यहाँ पर हमें यहाँ पर सर्च डालना है इस ये सर्च बार को भी हमें एक्टिव करना है इस ड्रॉप डाउन में भी हमें कुछ डालना है और इस तरीके से हमारी ये जो वेबसाइट है ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये हम फिनिश करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में उम्मीद है आपको आज के वीडियो समझ में आया होगा आज के वीडियो का मेन जो मोटिव था वो था आपको ये मेथड के बारे में सिखाना और उम्मीद है आप इस मेथड के बारे में अच्छे से जान गए होंगे अगर आपको ये ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलेगा अगर आपको प्ले पसंद आ रही है तो आप उनको भी ये प्ले शेयर शेयर करें उन्हें भी बोले कि वो भी इस प्लेलिस्ट को एक बार देखें उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आप अपने दोस्तों के साथ में मिलकर कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे और अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में मोहल भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे बट जब आप दोस्तों के साथ में प्रोजेक्ट्स को करने बैठते हैं ना तो काफ़ी अच्छा होता है आपके दोस्त भी बनाता है सेम चीज़ आप भी बनाते हो सेम चीज़ दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं देन दोनों एक दूसरे को खुद को इम्प्रूव करते हैं वो आप लोग कर सकते हो एक ग्रुप ग्रुप बनाकर आप व्हाट्सएप एक ग्रुप बना लो एंड देन वहाँ पर सारे वीडियोज़ को डिस्कस करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और मिलूंगा आप आप वाले में जहां पर हम हमारे वेबसाइट को फाइनलाइज करेंगे और फाइनलाइज करने के बाद में अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम इसको अपलोड भी करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में कि हम क्या क्या करने वाले हैं तो तब तक के लिए बाय